एक गिलास हो, एक बाल्टी हो, एक चुटकी हो, जहर तो जहर होता है, खाते ही डेथ होती है, ये डेथ वारंट है। लेकिन सरकार कह रही है किसानों का 6 दिन आएंगे इस कानून से, लागत का 1.5 गुना मिलेगा, दोगुनी हो जाएगी 2022 तक। अच्छा, एपीएमसी में खामियां बताई है। एक 2016 में, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा मैं, 2016 में ई नाम के वो लेके आए थे पॉलिसी, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, उसमें क्या बोला था 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। आज कितनी है वो नेशनल मार्केट होगा, वो कहां गई पॉलिसी, वो फेल क्यों हुई, क्या कारण हुआ। दूसरी बात, एपीएमसी अगर ट्रेड को डिस्पोर्ट करती है तो फिर केवल 6% किसानों को एमएसपी मिलता है, तो 94% तो वैसे आजाद हैं, उनका उत्थान क्यों नहीं हुआ। मैं बता दूं आपको, दो चार डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर दुआई देता ना हम खाते हैं, उस डॉक्टर का नाम है WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF, जो वो लिख के देते हैं वही लगा चेप देते हैं, अपना तो दिमाग यूज नहीं कर रहे, गोबर मूत्र खा रहे हैं साले, समझ रहे हो। USA में एक किसान को 45 लाख रुपए सब्सिडी दी जाती है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है पूरे वर्ल्ड में। बज रहा है अपने देश में तो बजाओ पहले, डंका किस चीज का बजता है। 19 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं, ग्लोबल हंगरिंग इंडेक्स की रिपोर्ट आती है, 94वें नंबर पर है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से पीछे, आतंकवादी देशों से पीछे, ये डंका है क्या। कहते रहे हैं कि हमने जो आसपास के देश अभी भी जीत रहे हैं, कहां कल सर्वे आया उसमें भी अभी भी उनके फैन फॉलोइंग बढ़ रहे हैं। अरे सर्वे कहाँ आया है ये बता दो, गोदी मीडिया में आया है, इंडिया टुडे ने बता दो कहाँ पे आया है। इंडिया टुडे ने कहा है कि सबसे अच्छे मुख्यमंत्री योगी जी है, प्रधानमंत्री जी नहीं, फिर वही तो बोल रहा हूँ मैं, बताया किसने है। इंडिया टुडे किसका, किसान का है क्या, हमारी बात करता है क्या, हो पिट्ठू बन के बैठे हैं, चिंटू है, चाटुकार है, पत्रकार नहीं है, सरकार की बात करते हैं, हमारी एक बंडल पे बिक जाते हैं यार, 2 रुपए की कौड़ी की औकात नहीं, हमारी बात करेंगे वो। क्या लग रहा है, बात सुनकर तो वोट देती है जनता, किसकी बात करेंगे आप ही मुझे बताओ। डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ होते हैं, 4 होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, चौथा होता है मीडिया। अब मोदी जी के बारे में मैं कैसे जानता हूँ, आप कैसे जानते हो। मेरी बुआ का लड़का है क्या, आपकी बुआ का लड़का है, मीडिया ने बताया ना, उसकी थाली लेकर उतारी दिन रात, भगवान बनाया, बना के नहीं बनाया, भगवान ने बनाया ना, तो मीडिया वाले जिसको चाहे चढ़ा सकते हैं, आपको चढ़ा सकते हैं, मुझे भी चढ़ा सकते हैं। तो मीडिया सही काम नहीं कर रहा क्या, काम की बात होनी चाहिए, मीडिया कहाँ काम कर रही है, मीडिया के बारे में कहा था कि वो बारी बारी से कर रहे ना विकास, कि देश चलता नहीं मचलता है, मुद्दा हल नहीं होता उछलता है, जंग मैदान पे नहीं मीडिया पे जारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है, यही तो हो रहा है, चुन चुन के मारे एक एक छज्जा टूट जाता है, उनको चुरने हो जाते हैं यार, और किसानों के पीपली में हार्ट टूट गया, उसके लिए कुछ एक आवाज नहीं उनके पास। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, अमिताभ बच्चन है, बॉलीवुड कलाकार है, वो किसान चैनल है जो उसके ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ट्वीट नहीं किया किसानों के लिए पूरे आंदोलन में। अरे ऐसे लोगों के हमें जो नवरत्न तेल बेचते हैं तेल, उसी ऐसे लोगों के हमें आज से ये भी नहीं, हम अपनी आवाज उठाना जानते हैं। सपना चौधरी है, हाँ। वो भी काफी फेमस है, किसान के लड़के, किसान भी काफी डांस करते हैं उनके लेकर के, लेकिन वो भी ट्वीट नहीं कर रही है। वो किसके साथ है, बीजेपी के साथ है, उसकी पार्टी में जुड़ी हुई है, इलेक्शन में खड़ी हुई थी, नहीं खड़ी हुई थी उनके साथ, सबको पता है। वीरेंद्र सहवाग भी नहीं कर रहे हैं कोई ट्वीट। भाई मैं अब पूरे देश का चिट्ठा तो लेके बैठा नहीं, कौन क्या करा, कौन किस टाइम पे मुंह क्या, काफी ट्वीट करते हैं ना वो तो। मैं रिपब्लिक भारत वाला तो हूँ नहीं कि क्या कुछ टाइम पे छींक मारी, वो वही लेके घूमते ना, रिया ने छींक मारी ब्रेकिंग न्यूज जोर से मारी, समझ रहे हो, मैं रिपब्लिक भारत से हूँ नहीं भाई, समझ रहे हो। बात क्या है कि काम की बात होनी चाहिए, खेती किसानी की बात है, लेकिन मैं शाम तक बोल सकता हूँ, क्योंकि किताब उठा रखी, भगत सिंह ने कहा था कि इंकलाब ने तो बम से आता है, पिस्तौल से आता है, इंकलाब आता विचारों से, नॉलेज से, किताब से। ये किताब बोल रही है, ये बकवास नहीं बोल रही, गोबर मूत्र नहीं बोल रहा। तो मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा, भगत सिंह की कौम है ये, भगत सिंह के बगैर हम खत्म नहीं कर सकते। पीयूष मिश्रा जी ने कहा था कि वो काम बला का काम हुआ जिसमें चंद्रशेखर आजाद ना हो, वो इसक बला का इसको जिसमें भगत सिंह की याद ना हो, भगत सिंह की याद ना हो और हम बात को खत्म कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आगा जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब आएगा, जोर से बोल रहे हैं, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है, और ये आवाज धमाका है, पार्लियामेंट तक आवाज जानी चाहिए, गूंगे बहरे हो, इंकलाब इंकलाब।